नामांकन के चौथे दिन बिहार शरीफ और परवलपुर प्रखंड में काफी गहमागहमी देखी गई। नामांकन के चौथे दिन बिहार शरीफ और परवलपुर में प्रत्याशियों ने नामांकन कराने के बाद अपना दमखम दिखाया। बिहार शरीफ प्रखंड के मुरौरा पंचायत से मुखिया पद पर सोनाली ने नामांकन करवाया। मेघी नगमा पंचायत से मुखिया पद के लिए उर्मिला देवी और सरबहदी पंचायत से मुखिया पद के लिए नूतन कुमारी ने नामांकन करवाया, तो बियावानी पंचायत से सरपंच पद पर धनंजय कुमार ने नामांकन करवाया। नामांकन के बाद समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और जीत का आशीर्वाद भी दिया। बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग बनाए गए काउंटर पर नामांकन का पर्चा दाखिल करने उम्मीदवार लगातार पहुंचते रहे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नालंदा जिले में 10 चरणों में होने हैं। यहां के सभी प्रखंडों में अलग अलग तिथियों को चुनाव होंगे। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने जनता का भरपूर समर्थन मिलने की बात कही और अपने जीत के दावे भी सुनिश्चित किए। नामांकित प्रत्याशियों ने कहा कि अगर जीत का सेहरा मुझे जनता पर लाने का काम करती है तो मैं निश्चित तौर पर पंचायत में विकास करने का काम करूंगा और लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करूंगा। आप आज नामांकन करवाई है, किस तरह का क्या कहेंगे विकास को लेकर? विकास को लेकर जो मेरा बचा हुआ कार्य है मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ये हो जाए जो छूटा हुआ कार्य है। पाँच सालों में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपको जनता के बीच रही है तो? अच्छा है। अच्छा क्या लगता? क्योंकि समय देने से ही पता चलेगा कि जनता का क्या है दिक्कत, तभी हम समझ पाएंगे। क्या नाम लिखनी है अपना? सोनाली। से मुखिया पद के उम्मीदवार थे, जीते भी। इस बार हम सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और सही ढंग से काम करना हमारा लक्ष्य है। पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पद से किस पंचायत से नामांकन करवाए हैं? मुखिया पद के लिए सरबहदी पंचायत से मुख्य पद के लिए करवाए हैं। क्या आपका मुद्दे होंगे? विकास तो कर ही रहे हैं। तो विकास का है और विकास पाँच साल पहले भी वर्तमान मुखिया भी थे, पाँच साल से विकास कर ही रहे हैं और आगे जो भी सरकार का दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन है, भीड़ से ही पता चलता है। क्या इस बार फिर से सुखड़ा साफ होगा? एकदम एकदम क्लियर है, कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। विपक्षी जितना भी भड़काऊ भाषण दे, जितना भी गाली गलौज करे, उससे हमारा हौसला दुगना होगा, कम नहीं होगा और जीत के हम आएंगे, ये हमारा वादा है। आज मेघी नगमा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया गया है और पिछले बार भी जनता ने इनको सहयोग देकर मुखिया बनाया था और इस बार भी पूरा जनता मन बना चुका है मेघी नगमा पंचायत के कि मुखिया उर्मिला देवी को ही बनाना है। सर के क्या क्या मुद्दा होगा सर इस बार चुनाव में? पहली प्राथमिकता है कि सरकार के द्वारा चलाए गए जो भी कार्य जो नियमावली होता है वो बदलते रहता है, उसी के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ता है। तो इस बार सौंदर्यकरण करने का सरकार द्वारा जो नियम आया है उसी को सौंदर्यकरण पूरा गांव का किया जाएगा। नाली साफ सफाई और लाइटिंग का व्यवस्था और जो भी व्यवस्था होगा आगे आने वाला समय में, अगर जो सरकार का नियम चेंज करता है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। सर पिछले पाँच सालों तक आपने काम किया, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप अपने पंचायत? मुकाबला तो बहुत है ही नहीं है, मैंने अब जो प्रक्रिया है नियमावली है कि फिर पुनः पाँच साल में चुनाव लड़ना है तो इसी को रिन्यूअल करना है।